नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी ग्रुप मीडिया कंपनी NDTV में एडिशनल 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए ओपन ऑफर को मंगलवार को लॉन्च करेगा। अडानी ग्रुप की कंपनियों की तरफ से ऑफर को मैनेज करने वाली JM फाइनेंशियल ने एक नोटिस में कहा है कि ओपन ऑफर 22 नवंबर को खुलेगा और 5 दिसंबर को बंद होगा। बता दें, हाल ही में SEBI ने अडानी ग्रुप को ओपन ऑफर लाने की मंजूरी दी थी। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक कंपनी ने अपने ओपन ऑफर के लिए प्राइस बैंड ₹294 प्रति शेयर तय किया है। टीवी एंकर अर्णब गोस्वामी पर दर्ज 2 मामलों को लेकर एकनाथ शिंदे सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती न देने का फैसला किया है। बता दें, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब ये मामले दर्ज किए गए थे और दोनों मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था। उसके बाद से मुंबई पुलिस इन दोनों की जाँच नहीं कर पा रही थी। उद्धव ठाकरे के समय में तत्कालीन सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार ने याचिका को वापस लेने का फैसला किया है। भारत जोड़ो यात्रा के बीच से जाकर आज राहुल गांधी ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया। राहुल गांधी ने सूरत जिले के आदिवासी इलाके में जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद उन्होंने राजकोट में भी रैली की। राहुल ने जहां सूरत के इस इलाके में पहली रैली की, वो आदिवासी इलाका है और यहां कांग्रेस की जड़ें मजबूत रही हैं। सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि BJP के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, आपको वनवासी कहते हैं। वो आपको हिंदुस्तान का पहला मालिक नहीं कहते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। वो ये नहीं कहते कि आप शहरों में रहो, आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाएं। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और यहाँ पर भी नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे आपका जंगल छीनने का काम करना शुरू करते हैं। राहुल ने कहा कि अगर इनका काम चल गया तो 5 से 10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपति दोस्तों के हवाले होगा, आपको रहने की जगह नहीं होगी। राहुल ने कहा कि आदिवासी का मतलब ये देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। वनवासी का मतलब 2-3 उद्योगपतियों के हवाले कर दिया जाना, ये 2 अलग अलग दृष्टिकोण है। इसके अलावा राजकोट में राहुल गांधी ने नोटबंदी से लेकर बाकी मुद्दों पर मोदी सरकार पर हमला बोला। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज गुजरात के अमरेली में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और BJP पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि BJP कांग्रेस वाले महंगाई के बारे में बात नहीं करते, मैं आपको महंगाई से मुक्ति दिलाऊंगा। 1 मार्च से आपको बिजली का बिल भरने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके बिजली के बिल माफ करेगा। केजरीवाल की गारंटी पक्की होती है। केजरीवाल ने रेवड़ी कल्चर को लेकर कहा, ये मुझे खूब गालियां देते हैं, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, घाटा हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि चिंता मत करो, केजरीवाल पढ़ा लिखा है, घाटा नहीं होने देगा। केजरीवाल ने कहा, ये फ्री चीज़ें अमीर अरबपतियों को देते हैं, हम गरीब जनता को देते हैं। बता दें, इस बार आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जमकर चुनाव प्रचार किया है और काफ़ी चर्चा भी बटोरी है। राहुल गांधी ने गुजरात के सूरत जिले में आदिवासी इलाके में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और ये देश आपका है, था और रहेगा। इस देश में आपकी जमीन की रक्षा होगी। राहुल ने कहा कि हम आपके जल, जमीन, जंगल की रक्षा के लिए कानून लाए थे, लेकिन BJP ने इनको लागू नहीं किया बल्कि कमजोर करते हैं। ये बस आपसे आपके जमीन छीनते हैं। आपके सामने निर्णय है, कांग्रेस यानी आदिवासी, दूसरी तरफ BJP है यानी वनवासी। राहुल ने कहा कि हम चाहते हैं जो आपका इतिहास है, जीने का तरीका है, उन सब की रक्षा हो। आजकल दुनिया में एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में हमारे आदिवासी नेताओं को इन सबसे ज़्यादा मालूम है और हमारा काम, सरकारों का काम, नेताओं का काम आपकी आवाज़ को सुनने का है, जो हम भारत जोड़ो यात्रा में कर रहे हैं। गुजरात में आज राहुल गांधी ही नहीं, PM मोदी, अरविंद केजरीवाल और अमित शाह भी चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। PM मोदी लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम कर रहे हैं। रविवार के बाद आज PM मोदी ने सोमवार को भी अपनी रैलियां जारी रखीं। इस दौरान उन्होंने पहले दिन में गुजरात के सुरेंद्रनगर, जम्बूसार में जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने अपनी तीसरी रैली को नवसारी में संबोधित किया। PM मोदी ने इस दौरान कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया है, वो सत्ता में वापस आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो उनके साथ चल रहे हैं जिन्होंने नर्मदा बांध परियोजना को 40 साल तक रोक के रखा। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग राज्य में बना नमक खाकर भी गुजरात को गाली देते हैं। गुजरात देश के 80% नमक का उत्पादन करता है। PM मोदी ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर के महाराष्ट्र में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर लगातार कांग्रेस पर निशाना साधा है। इससे पहले उन्होंने मतदाताओं से नर्मदा प्रदर्शनकारियों को दंडित करने के लिए कहा। गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के बयान पर एक रैली के दौरान पलटवार किया। PM मोदी ने उनके उस बयान पर जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि PM मोदी को चुनाव में औकात दिखा देंगे। सुरेंद्रनगर में आयोजित रैली में PM मोदी ने हमेशा की तरह अपने ही अंदाज में कहा, ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे, अहंकार ही है भाइयों। आपको तो पता है, राज परिवार से हैं,
मैं तो एक सामान्य परिवार की संतान हूँ, मेरी कोई औकात नहीं थी, आपको मेरी औकात दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो सेवक हूँ, मैं तो सेवादार हूँ। सेवक की सेवादार की कहीं औकात होती है क्या? इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने भाषण को फिर से दोहराते हुए कहा कि अरे आपने मुझे नीच कहा, नीच जाति का कहा, मौत का सौदागर कहा, गंदी नाली का कीड़ा कहा, आपको जो कहना था वो कहा, आपको हमारी औकात बताने की ज़रूरत है क्या? हमारी कोई औकात नहीं थी, मेहरबानी करके विकास के मुद्दों की चर्चा करो, गुजरात को विकसित गुजरात बनाने के लिए मैदान में आओ। गुजरात में हुए मोरबी हादसे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस हादसे को भारी त्रासदी कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है और इसके लिए एक साप्ताहिक निगरानी की आवश्यकता है ताकि जिस पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट मिला और जो दोषी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए मामला आगे बढ़े। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान ले लिया है, वरना हम ये नोटिस जारी करते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मोरबी पुल के ढहने में मामले में हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि स्वतः संज्ञान लेते हुए नजर रखें, उनको नियमित निगरानी रखनी होगी ताकि उन्हें पता रहे कि जांच सही दिशा में जारी है और लापरवाही के दोषी व्यक्तियों पर जवाबदेही तय हो। सुप्रीम कोर्ट मोरबी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि मामले की जाँच एक न्यायिक समिति करे जिसकी निगरानी का काम एक रिटायर्ड जज के हाथों में हो। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलने पर भी ध्यान रखने को कहा। बता दें मोरबी में 30 अक्टूबर को सस्पेंशन ब्रिज के गिरने से 132 लोगों की मौत हो गई थी। हादसे के बाद सामने आया कि पुल को बिना हेल्थ सर्टिफिकेट मिले ही आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। श्रद्धा वॉकर हत्याकांड मामले की जांच दिल्ली पुलिस से सीबीआई को ट्रांसफर करने की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई है। लाइव लॉ के अनुसार जनहित याचिका में एडवोकेट जोशिनी तुली ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच के संबंध में हर जानकारी मीडिया के साथ साझा की है जिसकी कानून में अनुमति नहीं है। याचिका में कहा गया है कि अदालती सुनवाई के स्थान पर मीडिया और जनता की उपस्थिति सबूतों और गवाहों के साथ हस्तक्षेप के समान है। इसके साथ ही याचिका में कहा गया है कि हत्या की घटना कथित तौर पर दिल्ली में हुई और उसके बाद शरीर के अंगों को अलग अलग स्थानों पर ठिकाने लगाने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकार प्रशासनिक यानी स्टाफ की कमी के साथ साथ पुलिस स्टेशन महरौली की जांच ठीक से नहीं की जा सकती है। साक्ष्य और गवाहों का पता लगाने के लिए पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है, क्योंकि यह घटना मई 2022 में लगभग 6 महीने पहले हुई थी। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज अभियुक्त आफताब का नार्को टेस्ट नहीं कराया गया। फॉरेंसिक साइंस लैब ने सोमवार को बताया है कि आज श्रद्धा मर्डर केस के अभियुक्त आफताब का नार्को टेस्ट नहीं किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI ने इस बारे में जानकारी दी। FSL के सहनिदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता ने कहा आज नार्को टेस्ट नहीं हो रहा है, दिल्ली पुलिस का अनुरोध आ चुका है और हमारी निदेशक के भी आदेश इसको जल्द कराने के हैं। हमारी टीम 3 दिन से इस पर काम कर रही है। नार्को टेस्ट करने से पहले कुछ मापदंड होते हैं जिन्हें पूरा किया जा रहा है। कर्नाटक के चामराजनगर जिले में दलित महिला के पानी पीने के बाद कथित उच्च जाति के लोगों ने टंकी से पानी निकालकर उसका गौमूत्र से शुद्धिकरण किया। बता दें 18 नवंबर को अनुसूचित जाति की एक महिला जो कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हेगपोत्रा गांव में एक विवाह समारोह में भाग ले रही थी। इस दौरान महिला ने एक ऐसे क्षेत्र में पानी पीने की टंकी से पानी पी लिया जहां तथाकथित उच्च जाति के लोग रहते थे, जिसके बाद वहां के लोगों ने महिला के साथ अभद्रता की और उसको वहां से हटाया। बाद में शुद्धिकरण के लिए नल को खोलकर उसे गौमूत्र से धोया, पानी की पूरी टंकी को खाली किया और उसको गौमूत्र से धोया गया। इस मामले में शिकायत दर्ज हो चुकी है और आगे की कार्रवाई का इंतजार है। कांग्रेस ने कहा है कि वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषियों की रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बताना होगा कि केंद्र सरकार ने भी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की है। केंद्र सरकार ने कहा था कि पर्याप्त सुनवाई के बिना ही दोषियों की रिहाई को मंजूरी दे दी गई और इस वजह से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषियों को रिहा किए जाने के बाद कांग्रेस ने इस फैसले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया था और कहा था कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा था कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करती है। रमेश ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में देश की भावना के अनुरूप काम नहीं किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर टिप्पणियों के बाद बीजेपी घिर गई है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान हैं, हमारे अंदर माँ और पिता से भी अधिक शिवाजी महाराज की प्रतिनिष्ठा है, उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। वो यशस्वी कीर्तिमान सामर्थ्यवान जनता राजा थे, वो दृढ़ संकल्प के महामेरु अभंग श्रीमंत योगी थे, वो बीएड करने वाले राजा नहीं थे। उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा ये आपके बेटे का समय है, कठोर शिक्षा देने से राजा बनता है,
बता दें कोश्यारी ने दो दिन पहले शिवाजी की तुलना नितिन गडकरी से की थी। उन्होंने कहा था शिवाजी महाराज एक पुराने आदर्श बन गए हैं, अब नए युग में आप बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी को आदर्श बना सकते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी पर की गई टिप्पणी को लेकर अब शिंदे गुट ने चुप्पी तोड़ी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत बालासाहेबांची शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी को लेकर सोमवार को उन्हें राज्य से बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। बुलढाणा विधानसभा सीट से विधायक गायकवाड़ ने दावा किया कि कोश्यारी ने मराठा साम्राज्य के संस्थापक के खिलाफ टिप्पणी की और अतीत में भी विवादों को जन्म दिया। विधायक ने कहा राज्यपाल को समझना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श कभी पुराने नहीं पड़ते और उनकी तुलना दुनिया के किसी भी अन्य महान व्यक्ति से नहीं की जा सकती। मेरा केंद्र के भाजपा नेताओं से अनुरोध है कि जिस व्यक्ति को राज्य के इतिहास का नहीं पता है कैसे ये काम कर सकता है, उसे दूसरी जगह भेजा जाना चाहिए। बता दें शिंदे गुट इससे पहले बीजेपी के नेताओं की टिप्पणियों के कारण भी असहज होता रहा है। इससे पहले फडणवीस के बयान के बाद शिंदे गुट असहज हो गया था, जब फडणवीस ने कहा था कि उन्होंने ठाकरे से बदला लिया है क्योंकि उन्होंने धोखा दिया था। इससे शिंदे गुट की परेशानी इसलिए बढ़ी क्योंकि वो दावा कर रहे थे कि वो हिंदुत्व के कारण और बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर चलने के लिए उद्धव से अलग हुए। उनका आरोप था कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व पर नहीं चल रहे थे। हालांकि फडणवीस के बयान के बाद शिंदे गुट में बेचैनी बढ़ गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने अब राहुल गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जो वैचारिक और राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भी दोस्त की तरह जुड़ते रहते हैं। राउत ने कहा कि बीजेपी में भी मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब मैं जेल में था तो वो खुश थे। ये मुगल काल की राजनीति है। वहीं सत्य हिंदी के आशुतोष की बात कार्यक्रम के दौरान संजय राउत से जब बीजेपी के प्रति नरम होने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हम महाविकास आघाड़ी के साथ ही बने रहेंगे, सभी संकट में एक साथ रहेंगे। कार्यक्रम में राउत ने राहुल के सावरकर को लेकर दिए गए बयान को लेकर कहा कि राहुल को ये बयान देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों के मन में सावरकर के प्रति श्रद्धा है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है और सबसे अच्छा समर्थन महाराष्ट्र में मिला है। राउत ने कहा कि इससे मुझे आशा की किरण दिख रही है। राहुल को कल तक लोग बदनाम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से वो चल रहे हैं इससे लोगों को लग रहा है कि उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। लोगों के मन में विश्वास निर्माण करने की स्थिति भारत जोड़ो यात्रा ने बनाई है। राउत ने इसके साथ ही उस सारे कयासों को खारिज किया जिसमें कहा जा रहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर दरार पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हम 2024 में मिलकर लड़ेंगे और चमत्कार हो सकता है। सत्य हिंदी के कार्यक्रम आशुतोष की बात में एक जेल में रहने को लेकर सवाल का जवाब देते हुए शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार हमने महाराष्ट्र में बनाई थी तभी से मेरे खिलाफ और मेरे साथियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था। राउत ने कहा कि एक एजेंसी झूठे केस बनाकर 100 दिन से अधिक दिनों तक जेल में रखती है और ये न्याय व्यवस्था, ये लोकतंत्र अगर होगा तो इस देश को देश कहना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हजारों लोग आज देश से भाग रहे हैं, उनको यहाँ नहीं रहना है। कुछ साल पहले जब कुछ अभिनेता ने कहा था ये देश हमें छोड़ना चाहिए तो हम लोगों ने आलोचना की थी, ये शाहरुख खान ऐसे कैसे बोल रहे हैं, आमिर खान ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्या ये देशभक्ति नहीं है। लेकिन उनका डर क्या था ये मुझे समझ आया जब मैं 100 दिन से अधिक जेल में रहा। किस जुर्म में मुझे जेल में बंद किया गया मुझे मालूम नहीं। अगर एक राज्यसभा सांसद को ऐसे जेल में रखा जाता है तो आम इंसान का क्या होगा। संजय राउत ने कहा कि मुझे सबक सिखाने के लिए जेल में अंडा सेल में रखा गया था। रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है। गौरतलब है कि आजम खान के करीबी और पार्टी के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने भाजपा का दामन थाम लिया। बता दें कि फसाहत अली खान शानू यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। फसाहत अली खान आजम खान के करीबियों में से एक हैं। उनका भाजपा के साथ जाना सपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें रामपुर उपचुनाव में सपा ने आसिम रजा को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं भाजपा ने आकाश सक्सेना को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी एक के बाद एक स्टिंग जारी कर आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी और टिकट के लिए पैसे लेने वाला बताने की कोशिश कर रही है। एक हफ्ते के अंदर ऐसा तीसरा स्टिंग जारी किया गया है। बीजेपी ने एक स्टिंग ऑपरेशन में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी ने MCD चुनाव के लिए टिकट बेचे हैं। बीजेपी ने आज भी आप नेता बिंदु श्रीराम द्वारा किए गए स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आप नेता बिंदु रोहिणी डी से टिकट मांग रही थी, उनसे टिकट के बदले 80 लाख रुपए मांगे गए। स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो जारी करने के बाद बीजेपी ने आपके कई बड़े नेताओं पर इस भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार विरोध की बात करती थी पर आज पूरी पार्टी उगाही करने में लगी है। इसके साथ ही दिल्ली के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने लिखा स्टिंग से स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ निगम की टिकट ही नहीं, इन्होंने विधानसभा की टिकट भी बेची थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की ओर से जारी किए जा रहे स्टिंग वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। केजरीवाल ने स्टिंग ऑपरेशन पर कहा कि बीजेपी हर रोज एक नई नौटंकी लेकर आती है। कभी कहती है कि शराब घोटाला हुआ, उसकी जांच हो गई, शराब घोटाले में कुछ भी नहीं मिला। इन्होंने कहा कि बस घोटाला हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला। इन्होंने कहा कि सड़कों में घोटाला हुआ, उसमें कुछ नहीं मिला। अभी चार दिन पहले भी इन्होंने कहा था कि कोई टिकट घोटाला हुआ, उसकी भी जाँच हो गई, उसमें तो ये जाँच कर लें। मंगलुरु में ऑटो में हुए धमाके के मामले में कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को कहा कि अभियुक्त मोहम्मद शरीक आतंकी संगठन आईसिस से प्रभावित था और वो उसके हैंडलर्स के संपर्क में रहने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। कर्नाटक पुलिस ने कहा है कि शरीक ने आईसिस के कई हैंडलर्स के साथ काम किया था और इसमें से एक हैंडलर अल हिंद नाम के संगठन से जुड़ा था। अल हिंद भी आईसिस से प्रभावित है। बता दें, पडिल पंपवेल मेन रोड पर कंकनाडी टाउन पुलिस के थाने के पास शनिवार शाम को करीब 5 बजे एक ऑटो में धमाका हुआ था। धमाके में ऑटो ड्राइवर और शरीक झुलस गए थे। ऑटो ड्राइवर ने बताया था कि शरीक के बैग में कुछ ऐसा था जिसने आग पकड़ ली और इसने पूरे ऑटो को अपनी चपेट में ले लिया। शिमोगा जिले का रहने वाला शरीक एक प्रेशर कुकर में IED लेकर जा रहा था। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। कर्नाटक पुलिस के शीर्ष अफसर आलोक कुमार का कहना है कि पुलिस मोहम्मद शरीक के ठीक होने का इंतजार कर रही है, जिसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक शख्स ने अपनी पूर्व प्रेमिका की गला दबाकर हत्या की और उसके बाद उसके शव के 6 टुकड़े कर उन्हें कुएं और तालाब में फेंक दिया। मुख्य अभियुक्त का नाम प्रिंस यादव है। पुलिस ने शनिवार को एक एनकाउंटर के दौरान उसे पकड़ लिया। उसके पास से एक अवैध असलाह बरामद किया गया है। आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि 16 नवंबर को एक अज्ञात युवती का शव कुएं में मिला था। उसका सिर नहीं था और बाकी शरीर के अंगों को भी काटा गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ने के लिए 5 टीमें बनाई थीं और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती की हत्या का पता तब चला जब स्थानीय लोगों ने कुएं के भीतर मानव अंग पड़े हुए देखे। उन्होंने इस बारे में पुलिस को सूचित किया। युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में था। युवती का नाम आराधना था और वो आजमगढ़ जिले के इशाकपुर गांव में रहती थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रिंस यादव ने पूछताछ में अपना गुनाह स्वीकार किया है। यादव ने बताया कि उसका युवती के साथ 2 साल से प्रेम संबंध था। युवती की इस साल फरवरी में शादी हुई थी और उस वक्त प्रिंस यादव विदेश में था। युवती की शादी होने के बाद से ही वो बेहद नाराज था और उसने इस घटना को अंजाम दिया। बिहार के वैशाली जिले में रविवार रात को हुए एक बड़े हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब कुछ लोग सड़क के किनारे एक पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तभी तेज रफ्तार एक ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा रात 9 बजे हुआ। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैशाली जिले में हुए सड़क हादसे को लेकर दुख जताया और घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे RJD के विधायक मुकेश रोशन ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को पटना रेफर कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में बीते रविवार हुए सड़क हादसे पर संवेदना जताते हुए मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। इंडोनेशिया में सोमवार दोपहर को आए जबरदस्त भूकंप से अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ये भूकंप इंडोनेशिया के पश्चिमी द्वीप जावा में आया है। स्थानीय अफसरों का कहना है कि भूकंप की वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई जगहों पर जमीन दरक गई है। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र पश्चिमी जावा का सियांजुर क्षेत्र था और इसका असर राजधानी जकार्ता तक महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.6 थी। सियांजुर और जकार्ता में भूकंप के झटकों से लोग घबराकर सड़कों पर निकल आए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।